नाबालिग को मिला सलमान खान को मारने का टास्क, पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरपीजी हमले में शामिल था आरोपी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आतंक फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक आरोपी नाबालिग है। लड़के पर आरोप है कि मोहाली के पंजाब हेडक्वार्टर पर 9 मई को किए गए आरपीजी अटैक में वो भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिस्ट्रोय और जग्गू भगवान पुरिया ने सलमान खान को मारने का काम दो लोगों के अलावा इस लड़की को भी सौंपा। पिता सलीम खान को मिला था धमकी भरा लेटर। पुलिस की स्पेशल टीम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नाबालिग लड़के ने बताया कि लॉरेंस बिस्ट्रोय ने उसे दीपक सुरपुर और मोनू डगर को सलमान खान को मारने का काम सौंपा था, लेकिन बाद में सलमान की जगह गैंगस्टर राणा कंदुवालिया को उनका मेन टारगेट बना दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब सलमान खान के पिता सलीम खान रनिंग के लिए निकले थे तब उनकी सिक्योरिटी टीम को मुंबई के बांद्रा में घर के बाहर धमकी भरा लेटर मिला था जिसमें लिखा था मुझे वाले जैसा हाल कर दूंगा। इस लेटर के बाद से ही सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बता दें कि 29 मई को फेमस सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिस्ट्रोय गैंग ने ली थी। इसी को देखते हुए आरोपियों ने सलमान खान को मारने की धमकी भी दी। फैंस ने की आरोपी को सजा देने की मांग। जब से दिल्ली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है तभी से सलमान के फैंस उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी नाबालिग लड़के से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के बयान पर आधार पर मामले की जांच चल रही है। लॉरेंस सलमान खान को मारने के लिए 4 बार प्लानिंग कर चुका है। इसके लिए उसने राइफल तक खरीदी थी। लॉरेंस ने शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान को मारने के लिए मुंबई भेजा था। संपत के पास पिस्टल थी, हालांकि सलमान पिस्टल की रेंज से काफी दूर थे, ऐसे में वो उन्हें मार नहीं पाया। इसके बाद उसने ज्यादा रेंज वाली एक राइफल खरीदी, फिर सलमान को मारने आया लेकिन वो उन्हें मारने से पहले ही पकड़ा गया। इसके बाद लॉरेंस ने 2 बार और उन्हें मारने का प्रयास किया लेकिन उसे सलमान को मारने का मौका नहीं मिल पाया। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।